हेलो फ्रेंड्स, कैनवा ने एक बहुत ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि है डॉक्स। आप अपने मेन्यू पर यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्स नाम से एक ऑप्शन आ रहा है और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा आपको ऑप्शन दे रहा है बहुत ही विजुअल डॉक्यूमेंट्स बनाने का, और जो कि एक आम डॉक्यूमेंट से बहुत डिफरेंट होगा। इसमें आप वीडियोस भी एम्बेड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स, कोई एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव, बहुत विजुअल हो जाएगा। अभी इसके बेसिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट सिंपली लॉग इन टू योर कैनवा अकाउंट एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन डॉक्स। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ भी आ रहा है क्योंकि नया ऑप्शन है, तो ये ट्राई में इसका ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सी, क्लिक हेयर। यहाँ कुछ टेम्पलेट्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। अब मर्जी आपकी कि आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ कर लें या कोई एक्स्ट्रा, कोई अपना न्यू डॉक्यूमेंट कर लें। अगर इसमें से हम कोई एक यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिज़नेस प्रपोजल लिख रहे हैं, तो हम ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन होके दी हुई हैं, हमें उसके अंदर सिर्फ अपना टेक्स्ट इनपुट करना है। तो ये हमारा एक प्रॉपर बिज़नेस प्रपोजल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन इट। सी, दिस इज़ अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसमें यहाँ आपको एक स्मॉल प्लस साइन नज़र आ रहा है, यहाँ हम ये तमाम चीज़ें एंटर कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम टाइप करती हूँ। यहाँ मैं मैजिक राइटिंग यूज़ कर सकती हूँ। क्या है मैजिक राइटिंग? मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर दूँ, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट्स अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये मुझे स्पेसिफिक 5 पॉइंट्स क्रिएट करके देगा कि सोशल मीडिया क्या चीज़ होती है। ये एआई के थ्रू हमें ये सिर्फ 5 पॉइंट्स जनरेट करके दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ अपने डॉक्यूमेंट में कोई डिज़ाइन ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन पे एंटर किया है। फॉर एग्जांपल मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक बैनर डालना चाहती हूँ, आई एम चूजिंग दिस वन, और मुझे इसकी हेडिंग भी ठीक लग रही है, तो आई विल गो विद दिस। वहाँ मैंने सेव का बटन जब क्लिक करा तो मेरा कर्सर जिस जगह मौजूद था इसने वहाँ इसको एंटर कर दिया। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर हेडिंग्स करना चाह रही हूँ। आई विल ऐड हेडिंग लाइक, फॉर एग्जांपल मैं इसी में से टेक्स्ट यूज कर रही हूँ के रेगुलर मॉनिटरिंग, राइट? तो ये हेडिंग साइज आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट हुआ हुआ है। इसी तरह मैं सब हेडिंग्स देना चाहती हूँ, लेट्स डू वर्क टुगेदर। ये एक सब हेडिंग हमारा फॉन्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। नेक्स्ट, कुछ अगर आपको जैसे ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो बॉडी में मैं यहाँ से बॉडी सेलेक्ट करके मैं कुछ और इसमें टाइप कर सकती हूँ सिंपल। इस तरह मैं एक सिंपल रेगुलर बॉडी भी एंटर कर सकती हूँ। आप चाहें तो यहाँ टेबल एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इतने रोज और इतने कॉलम्स का एक टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ। इसमें मैं मजीद एडिटिंग कर सकती हूँ, जैसे भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोई चेकलिस्ट करना चाह रहे हैं, हमने इधर एक चेकलिस्ट बना दी बुलेट्स का, बुलेट लिस्ट भी हो सकती है कि अगर आप बुलेट्स देना चाह रहे हैं। राइट, सिमिलरली व्हाट अदर ऑप्शन डू वी हैव? वी आर सो मेनी ऑप्शंस हियर टू एक्सप्लोर। नंबर्ड लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि नंबर में आए,
चार्ट हम इसमें कर सकते हैं, इमोजीगॉन्स ऐड कर सकते हैं। इमोजीगॉन्स हमारे पास बहुत सारी वेराइटी है, लेट्स से आई हैव एडिट दिस वन, अकॉर्डिंग टू आर नीड हम इसमें पाई चार्ट भी एंटर कर सकते हैं। लोगोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई लोगो करना है, क्योंकि मेरे पास अभी इस अकाउंट में कोई लोगो ऑलरेडी अपलोड नहीं हुआ हुआ, इसलिए वो यहाँ शो नहीं हो रहा है। और लास्ट में है हेल्प ऑप्शन। आई गेस ये थोड़ा बहुत जो आपको इस मैंने एक्सप्लोर करके दिया है, ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा और आप इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ईजी डॉक्यूमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है, मैं यहाँ से फोटोग्राफ ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैं लेट्स से मैं चाह रही हूँ कोई शेप्स चाह रही हूँ, इसमें मैं चाहती हूँ कि वो एनिमेटेड हों। मैं इसको एनिमेटेड के साथ चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए मेरे पास कुछ ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि एनिमेटेड मेरे पास ये ऑप्शंस है, मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ भी अवेलेबल है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई चूज़ दिस वन। इसी तरह आप अपनी वीडियोज़ बनाकर भी यहाँ अपलोड करके और इसे ऐड कर सकती। फॉर एग्जांपल आप QR कोड करना चाह रहे हैं, एंटर ऑन द QR कोड। अब यहाँ आपको URL की ज़रूरत है, मैं YouTube चैनल का ही QR कोड क्रिएट कर रही हूँ। आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या अपना कोई लैंडिंग पेज पे आप अपने क्लाइंट को लेकर जाना चाह रहे हैं, कोई फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं करूँगी यहाँ पे जनरेट, और ये मेरे पास कोड क्रिएट है। अब कोई भी अगर जो क्लाइंट है या कोई मेरा यूज़र है, कोई ऑडियंस है, वो जब इसको स्कैन करेगी तो वो मेरे YouTube चैनल पर लैंड करेंगे वो। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये नया फीचर जो है वो किस तरह काम कर रहा है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जो है आपकी क्रिएटिविटी आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज करें। जो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू।